नमस्ते दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। हर पार्ट का अलग रोल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके अंदर मदरबोर्ड। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे मदरबोर्ड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सॉकेट दिए होते हैं, कौन सा स्लॉट दिया होता है, पूरा मतलब कि मदरबोर्ड के बारे में समझेंगे। अगर आपको भी नहीं आता है ना, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आपको अगर आता है मदरबोर्ड क्या है तो प्लीज वीडियो को स्किप करें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने आए, इसे पूरे वीडियो को लास्ट बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड है, ये देख सकते हैं ना, आपके मन में आता होगा क्या नाम है मदरबोर्ड। हाँ यार, जिस प्रकार से हम सबकी माँ होती है ना, हम लोग का ख्याल करती है हमारी माँ, तो उसी प्रकार से जो मदरबोर्ड होता है ना, एक कंप्यूटर के अंदर हर पार्ट का ख्याल करता है। चाहे कंप्यूटर के अंदर रैम लगा हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू लगा हो, मतलब जितने सॉकेट दिए हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार होगा ना, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, भी कोई नया वीडियो बनेगा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मदरबोर्ड का लुक कैसे होता है। चाहे आपके पास कंप्यूटर हो उसमें मदरबोर्ड लगा रहता है, चाहे आपके लैपटॉप हो लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड लगा रहता है। कंप्यूटर का मदरबोर्ड ना लैपटॉप में लग पाएगा और ना लैपटॉप का मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर में लग पाएगा। क्लियर है ना, ये बात होता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें इतने सारे चीजें दी रहती है, क्या क्या चीज मतलब क्या कैसे लगाते हैं, क्या चीज। देखिए कोई भी डिवाइस आपको कनेक्ट करना है, मान लीजिए हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है तो इसी मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा, आपको सी राइटर कनेक्ट करना है इसी मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। देखिए जो रैम होता है, रैम ना तो भी आपके इसी मदरबोर्ड में सेट होता है, यहाँ स्लॉट दिया होता है, स्लॉट के ऊपर लगा रहता है, ये रैम हो चुका है। उसके बाद आपका जो सीपीयू बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको बोलते हैं, वो भी देखिए ये सीपीयू भी इसी मदरबोर्ड में सेट रहता है ये। ठीक है, सब स्लॉट सिस्टम के ऊपर ही है। तो चलिए किनारे कर लेते हैं इसको और हम डिटेल समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले ये मदरबोर्ड में हाथ में देख सकते हैं आप ही, तो ये आप देखेंगे पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये वाला पोर्ट दिख रहा बड़ा वाला, इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। देखिए ध्यान से, ये आपका पैरेलल पोर्ट बोलते हैं। ये पोर्ट अब बहुत सारे लैपटॉप में, बहुत सारे कंप्यूटर में नहीं आता, जो पुराने वाले आते थे वही पोर्ट पे मिलते थे। क्योंकि देखिए इस पोर्ट के थ्रू ना, जो पुराने जमाने की हार्ड डिस्क होती, इसको बोलते थे पाटा हार्ड डिस्क, वो इसी के माध्यम से कनेक्ट करते थे। अब ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है और आपको नए वाले कंप्यूटर में, नए वाले मदरबोर्ड के अंदर ये वाले स्लॉट और ये वाला पोर्ट नहीं दिखाई देगा। क्लियर है। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं, इसके बगल में देखिए ये 1 2 3 4 ये दिया हुआ ना, ये पाटा है, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है ये साटा है ये। ठीक है, तो इसमें एक ही दिया हुआ, लेकिन साटा आपका 4 दिया हुआ, किसी किसी में 6 दिया होता, किसी में 2 दिया होता साटा। ये क्या होता है ना कि आज के डेट में आपको हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है, आपको राइटर कनेक्ट करना है या 2 हार्ड डिस्क लगाना है, सब इसी पे सेट होगा, इसी तार के माध्यम से जो है साटा के माध्यम से कनेक्ट हो सकता है। क्लियर है। इसमें देखिए लिखा रहता है 1 2 3 4, हो सके आपका 1 यहाँ शुरू, हो सके आपका 1 यहाँ शुरू, हाँ लिखा रहता है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे, किसी में कोई भी तार लगा देंगे दिक्कत नहीं, ये काम करता है। मतलब पाटा का लेटेस्ट वर्जन ये साटा है ये। ठीक है, मतलब पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट ये स्पीड मिलता है। उसके बाद देखिए ये 2 आपको स्लॉट दिख रहा है, एक स्लॉट ये, एक स्लॉट ये होता है रैम लगाने की जगह दिया जाता है, ये आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी मेमोरी होती है, इसी पे कंप्यूटर काम कर, लोग कहते हैं ना 1 GB RAM 2 GB RAM, तो यही रैम है ये, और ये यहाँ लगता है। तो इस वाले मदरबोर्ड के अंदर एक साथ 2 रैम लग सकता है। तो हर मदरबोर्ड में ये होता है कि मैक्सिमम रैम कितना सपोर्ट करेगा, तो अलग अलग बारे में पता करना, तो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर इंटरनेट पर जा करके या दुकानदार से पूछ करते हैं कितना GB तक मैक्सिमम ये मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा। क्लियर है, तो ये 2 रैम लगाने का जगह दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे ये जो जगह दिख रहा है पिन साइड का ना, ये पिन इसमें लगता है सीपीयू, ये देखिए सीपीयू है ये, इसी बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे इंसान के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं तो ये दिमाग होता है ना, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर ये जो बोलते हैं इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले, क्योंकि ये बोलते हैं कि स्पीड कितना तेज मिलेगा ना, Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Core i3 Core i5 Core i7 इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ चुके हैं। तो ये सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ये हो चुका। देखिए इसमें बहुत सारे चिप दिए होते हैं, आईसी दिए होंगे, तो आपको लगता हो कौन सा आईसी किस लिए है। तो आप देखते हो ना, गाना सुनते हैं आप, वीडियो देखते हैं आप, इंटरनेट काम करते हैं, इसके अंदर सबका चिप लगा रहता है। अगर मान लीजिए कि इसमें आवाज़ नहीं आ रहा कंप्यूटर के, लैपटॉप के अंदर, तो हो सके जो इसका चिप, मतलब जो वाला आईसी पड़ा हुआ ना, वो आईसी खराब हो गया हो, तो इसको जो है बनाना पड़ता है, दुकानदार पर मदरबोर्ड लेके जाते हैं, रिपेयर कर देते हैं, वारंटी में होता अगर है तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन के ऊपर दिया हुआ है, इसमें कुछ कंडेंसर दिए रहते हैं, ये देखिए 2 कंडेंसर दिए हुए हैं। इसका क्या होता है कि वोल्टेज को फिल्टर करता है, फिर आपको जो है सप्लाई अच्छी मिल पाती है, ये हो चुका है। फिर हम बात कर ले, देखिए इसके अंदर क्या करंट देना होता है। हमारे घर में जो करंट आता है वो बेसिकली एसी करंट होता है, जैसे हमारे फ्रिज के अंदर, टीवी के अंदर, एसी के अंदर करंट लगाते हैं, वो एसी करंट होता है। लेकिन मदरबोर्ड के अंदर आपको डीसी करंट देना होता है। डीसी मतलब कि
डायरेक्ट करंट आपको, जो एसी करंट हमारा मेन बोर्ड से आएगा वो जाएगा एसएमपीएस के अंदर जाएगा, एसएमपीएस के अंदर यहाँ दो सॉकेट दिए हुए हैं, इस सॉकेट के अंदर आपका वो लगता है। फिर 12 बोल्ट 5 बोल्ट मिला करके पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई होता है, जिसका जितना रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए कि रैम को अगर 2 बोल्ट चाहिए तो ये मदरबोर्ड आपको रैम को 2 बोल्ट देता है, सीपीयू क्योंकि करंट तब को चाहिए ना, करंट है तो काम करेगा। हार्ड डिस्क को 5 बोल्ट चाहिए, मतलब यहाँ से पोर्ट देते हैं उसके बाद मदरबोर्ड सबको जो है बांट लेता है। तो समझ चुके हैं ना, देखिए ये तरीके का ये होता है, 24 पिन का ये होता है ये। इसके बगल में 12 वोल्ट आज के ये दिया हुआ लेटेस्ट है, ये अलग अलग दो पोर्ट होते हैं, करंट इसमें जाते रहते हैं, ये समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए एक स्लॉट आपको ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ब्लू कलर इसको बोलते हैं पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट कहते हैं। ये लेटेस्ट स्लॉट है, इसके अंदर आपको जैसे ग्राफिक्स कार्ड लगाना है गेम खेलने के लिए तो आप लगा सकते हैं, तो इसी में मेनली लगाया जाता है पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट का, स्लॉट के अंदर यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, ये हो चुका है। तो उसके बगल में देखिए ये दिया हुआ एक पीसीआई स्लॉट दिया हुआ, पीसीआई मतलब पुरानी जमाने टेक्नोलॉजी का है, इसका ये ब्लू वाला लेटेस्ट है। पीसीआई में क्या होता था, मान लीजिए इस मदरबोर्ड के अंदर आवाज नहीं आ रहा है, इस मदरबोर्ड के अंदर जो है यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो अलग से पीसीआई के ऊपर कार्ड आते थे और यहाँ पर लगा करके उससे यूएसबी ले सकते थे, उससे साउंड कार्ड ले सकते थे, इसको पीसीआई स्लॉट कहते हैं। क्लियर एकदम है ना, कोई डाउट तो नहीं ना, कोई डाउट हो पूछे कमेंट बॉक्स में बताऊंगा आपको मैं, ये हो चुका। फिर देखते होंगे कभी कभी आप जो है ना आपका कंप्यूटर मान लीजिए 1 महीने 2 महीने तक कंप्यूटर बंद हो जाता है, फिर दोबारा जब कंप्यूटर को खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम एकदम सही से आता है, कुछ ना कुछ कारण होगा ना। तो देखिए आपके इस हर मदरबोर्ड के अंदर जो है एक बैटरी दी रहती है, ये देखिए एक बैटरी दी रहती है, ये बैटरी दी रहती है। इस बैटरी के माध्यम से ही जो है इसमें हमें डेट टाइम एकदम सेट मिलता है, कंप्यूटर बंद रहता है लेकिन बैटरी काम करता है, इसकी वजह से डेट टाइम से होता है। इसको चेक करने का सिंपल तरीका क्या है ना, क्योंकि ये पहले तो मिलता है 10 रुपये का, अगर आपका खराब हो गया ला के चेंज कर लीजिएगा तो आपका डेट टाइम से हो जाएगा। उसको चेक करने का तरीका ये है, जी मैं ऐसे लगाएंगे हल्का सा तो झंझनाट आएगा, हल्का सा झंझनाट आता है, अगर झंझनाट आता है इसका मतलब बैटरी ठीक है, झंझनाट नहीं है तो बैटरी खराब है। तो अगर मान लीजिए कि 6 महीने बाद कंप्यूटर ऑन करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली खराब हो जाता है, तो आपके मतलब कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता, इसको चेंज कर लीजिए। सिंपल एक खोल के इसको निकाल लगाने का सिंपल तरीका देखिए, इसको ला के बैठा सकते हैं, ये हो चुका है। हर मदरबोर्ड के अंदर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और दिया रहता है, वो दिया रहता है सीमॉस जम्पर। देखिए यहाँ पर छोटा सा एक जम्पर दिया हुआ है, ये नहीं दिख रहा होगा ना सामने से, देखिए जम्पर दिया हुआ है। इसको क्या है कि इसमें 3 पिन दिए होते हैं, तीन पिन ये बकायदे 1 और 2 में लगा रहता है। इसको हम निकालेंगे जम्पर को, ध्यान देखिए लिखा रहता है वहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है सीमॉस क्लियर। कभी कभी बैटरी चेंज करने के बाद में भी ना हमारा जो है डेट टाइम सेट नहीं होता है, कभी कभी हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं आता है, तो सीमॉस इस जम्पर को आप निकाल सकते हैं। देखिए ये जम्पर निकल चुका है, छोटा सा जम्पर है, ये पिन नंबर 1 और 2 में लगा हुआ था, तो अब मैं 2 और 3 में लगा के इसको जो है यहाँ लगा दूंगा 2 और 3 के अंदर, और उसके बाद जो है मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करूंगा। जब हम 2 और 3 में जम्पर में लगा देंगे इसको तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा मतलब कुछ आएगा नहीं। फिर जब उसको निकाल दीजिए, फिर जम्पर को 1 और 2 में सेट कर दीजिए, फिर कंप्यूटर को ऑन करिए तो हो सके मोस्ट प्रॉब्ली कंप्यूटर आपका ऑन हो जाएगा। देखिए जम्पर लगाने का तरीका, यहाँ से निकालना है मतलब ये ऐसे दबा देना है, तो ये 1 और 2 यहाँ पढ़ लिया, वो छोटा छोटा अक्षर में दिया हुआ था वो दिखेगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर जम्पर होता है, क्लियर। उसके बाद देखिए इतने सारे पोर्ट दिए रहते हैं, दिख रहा ना, ये पोर्ट दिए रहते हैं, इसी के अंदर जो है हम अलग अलग चीज़ें लगाते रहते हैं। मान लीजिए मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को हमको मॉनिटर से कनेक्ट करना है, मदरबोर्ड को हमको टीवी से कनेक्ट करना है, कोई ना कोई तो जगह चाहिए जहाँ लगा सके दोनों कम्युनिकेशन, तो कंप्यूटर का वही पार्ट होता है मदरबोर्ड जो आप लगाते तारा ना, जब निकालेंगे मदरबोर्ड को तो आपको पीछे वाला पार्ट दिखता रहता है, ये अंदर का नहीं दिखता है, तो डायरेक्टली मदरबोर्ड में ऐसे करके लगाते रहते हैं। तो देखिए पहले 2 पोर्ट दिया हुआ ये और ये, इसको बोलते हैं PS2 पोर्ट, नोट कर रहे हैं ना, नोट करिएगा PS2 पोर्ट। जो ब्लू वाला दिया हुआ इसके अंदर हम कीबोर्ड लगाते थे, क्योंकि अभी वाला पोर्ट कम आता है कीबोर्ड लगाने के लिए ब्लू वाला, और ग्रीन वाला दिया हुआ है आपका माउस लगाने के लिए, क्लियर है ना, इसको PS2 पोर्ट बोलते हैं। उसके बाद चले आते हैं ये बोलते हैं सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट कम मिलता है, पहले माउस जो आते थे सीरियल पोर्ट पे आते थे, कुछ डिवाइस आते थे लेकिन बंद हो चुका है। बहुत जगह जो मेडिकल के इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कुछ बड़े बड़े मशीन आते हैं मेडिकल क्षेत्र में ना, उसको इस सीरियल पोर्ट के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है, कभी एक्सरे मशीन हो गया, कभी सीटी स्कैन मशीन हो गया, कभी कभी ये जो है इसके थ्रू कनेक्ट होते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हो सके इसके बेस पर नहीं आता हो, क्योंकि मेडिकल के इक्विपमेंट हम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हो चुका। उसके बाद देखिए ये बड़ा सा आपको दिख रहा है रेड कलर, इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट बोलते हैं। पुराने जमाने का जो प्रिंटर आता था ना, बैंक लगा होता था, इसको बोलते हैं खटर फटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर भी जो है इसी के ऊपर आता था पैरेलल पोर्ट के ऊपर। ये मदरबोर्ड पुराना है, क्योंकि अब नए मदरबोर्ड के अंदर आपको ना पैरेलल पोर्ट मिलेगा, ना आपको सीरियल पोर्ट मिलेगा, ना आपको PS2 पोर्ट मिलेगा, तो अब जो है पोर्ट नए चेंज हो गए, लेकिन आपको जानकारी तो होनी जरूरी सबकी है ना, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये हो चुका। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर पोर्ट। इस पोर्ट के थ्रू जो है अपने टीवी को, अपने जो मॉनिटर को हम कनेक्ट करते हैं, ये है। इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, HDMI पोर्ट दिया हुआ है, बहुत सारे मदरबोर्ड में आपको HDMI मिलेगा, मतलब क्वालिटी उससे बेटर हो चुकी है HDMI के अंदर, क्लियर है।
फिर देखिए इंपॉर्टेंट पोर्ट आ चुका है यूएसबी पोर्ट, 1, 2, 3, 4 चार यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। अब जो प्रिंटर आते हैं, अब जो स्कैनर आते हैं, कीबोर्ड माउस आते हैं, बेसिकली जो है ना इसी किसी पोर्ट में लगा करके काम करा सकते हैं। क्लियर है ना, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल फोन कनेक्ट करना है तो इसी यूएसबी के किसी पोर्ट में लगा करके इसको बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है, इसको कहते हैं लैन पोर्ट, लोकल एरिया कनेक्शन पोर्ट ये बोलते हैं। इसके अंदर आपको 3-4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना अगर होगा तब हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इंटरनेट चलाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए इसको बोलते हैं लैन पोर्ट। इसमें वाईफाई नहीं दिया हुआ है, मतलब कि वायरलेसली आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है ना तो अलग से आपको यूएसबी बेस डोंगल लेना पड़ेगा, मतलब इतना डिवाइस लेना पड़ेगा जो उसको लगाएंगे तब आपका ये मदरबोर्ड आपका वाईफाई बन सकता है। क्लियर है, ये 3 पोर्ट दिए हुए हैं आपके, ये स्पीकर के लिए है। ये रेड वाला होता है माइक, इसमें माइक लगाते हैं, आपको माइक से इस्तेमाल करना, माइक हो गया। इसके बाद दिया ग्रीन वाला स्पीकर के लिए, स्पीकर कनेक्ट करना आपको है तो हमेशा ग्रीन लगाते हैं। ये रियर स्पीकर का होता है, इसको बहुत यूज नहीं करते, मेनली दो ये यूज करते हैं, एक ये रेड वाला और एक ये ग्रीन वाला। रेड में माइक लगेगा, ग्रीन के अंदर आपका स्पीकर लगेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है। तो आप समझ चुके हैं ना, कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही होता है जो कि मतलब सबका ध्यान रखता है, सबका ख्याल करता है, सबको कितना वोल्टेज देना है, क्या चीज इसको कनेक्ट करना है, कैसे इन्फेक्ट कर। जब ये खराब हो जाता है, जैसे घर की कोई लेडीज अगर हो ना, अगर उनको दिक्कत अगर होता है पूरा घर डिस्टर्ब, क्योंकि सब कुछ मैनेजमेंट तो काम वही करती हैं। इसी प्रकार से मदरबोर्ड में दिक्कत अगर आता है तो कंप्यूटर हैंग करता है, कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, इसलिए इसका ख्याल करिए। और हमेशा ये प्रयास करिए जहाँ कंप्यूटर आप रखिए ना वहाँ पे गंदगी न हो पाए, जब आसपास साफ रखेंगे तो सीपीयू के अंदर गंदगी नहीं जाएगी और उसके बाद कंप्यूटर आपके खराब होने की संभावना कम हो जाएगी। दोस्तों देखिए ये मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड स्टार्टिंग तो आपका 3000 रुपये साथ के रेट में हो जाता है, बड़े बड़े आते हैं। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर जो कि मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं, अगर कभी कुछ खराबी होता है तो मदरबोर्ड को निकाल सकते हैं। पता कर लीजिए कि आपके क्षेत्र के अंदर मदरबोर्ड रिपेयर कौन करता है, तो क्योंकि हम लोग के सामने प्रॉब्लम आता है ना तो हम लोग भी लेके जाते हैं निकाल के मदरबोर्ड को। और लोगों जो एक्सपर्ट आदमी जो सिर्फ मदरबोर्ड रिपेयरिंग काम करते हैं, उनको मतलब आईसी निकालना लगाना अगर होता है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये मदरबोर्ड है ना इसके स्पेयर पार्ट अलग से नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं वो पुराने में स्पेयर पार्ट खरीद रखे रहते हैं, उसके बाद जो है चेंज करके रिपेयर कर देते हैं। तो 500, 700, 800 हजार रुपये में मदरबोर्ड रिपेयर हो जाता है, फिर उन लोगों को काम चल जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ठीक है। जैसे ये सीपीयू खराब हो जाएगा तो इसको आपको बदलना पड़ता है, आपको रैम खराब हो जाएगा बदलना पड़ेगा, रिपेयर नहीं होता, संभावना कम होती है, लेकिन मदरबोर्ड खराब होता है तो रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मदरबोर्ड के बारे में आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। और देखिए पूरा ऐसे दिखता है, अलग अलग तरीके का, बहुत मतलब मशीन से सोल्डिंग की जाती है, हाथ से इसमें बिल्कुल नहीं है, जब बन के आता है ये। तो एक वीडियो था बनाकर मैंने सोचा था बता दूं आप लोगों को क्या मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के बारे में बहुत लोग सुनते होंगे नहीं आते। तो वीडियो पसंद आपको आया प्लीज को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए पहले क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर दोस्तों। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में किसी टॉपिक साथ में, तब तक आप लोगों को।